5 अगस्त 2019 की तारीख इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हुई थी जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया था और इस तारीख के ठीक एक साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 एक और भव्य दिन है जिस दिन राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा, राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और पीएम मोदी होंगे इस भव्य कार्यक्रम में शरीक। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में शामिल होंगे। इस लिहाज से फिर सिक्योरिटी को भी अलर्ट पर रहना होगा क्योंकि एक तो दिन बड़ा, फिर पीएम मोदी का कार्यक्रम में शरीक होना और फिर उस कार्यक्रम का आयोजन जिसका पिछले करीब 150 सालों से इंतजार था। इस कार्यक्रम में आतंकी साजिश का भी इनपुट है, लिहाजा एसपीजी की टीम 1 अगस्त को अयोध्या आकर मोर्चा संभाल लेगी। एसपीजी की टीम सारी तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी। पीएम की सुरक्षा के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। पीएम मोदी इसी सुरक्षा के घेरे के बीच में रहेंगे। इसके अलावा अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। खुफिया एजेंसियों ने प्रदेश के कई जिलों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया है। अयोध्या के आसपास के जिलों में भी बड़े अफसरों की तैनाती की जा रही है। इनमें एडीजी प्रोसिक्यूशन आशुतोष पांडे को अमेठी, एडीजी ट्रैफिक को गोंडा, एडीजीपी पीएसी रामकुमार को बहराइच, आईजी फायर सर्विस जयप्रकाश को सुल्तानपुर, आईजी पीयूष मोरड़िया को अंबेडकर नगर, आईजी एके राय को बस्ती, डीआईजी भर्ती बोर्ड विजय भूषण को बाराबंकी, डीआईजी प्रशासन आर के भारद्वाज को सिद्धार्थ नगर में तैनात किया गया है। ये सभी अफसर सोमवार शाम को यानी कि 3 अगस्त को अपने नोडल जिले में पहुंचेंगे और 6 अगस्त तक वहीं तैनात रहेंगे।